तो गाइज आज हम इस फोटो को होली फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे गाइज, इस फोटो की बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए हम इस फोटो को शेयर करेंगे फोटो रूम एप्लीकेशन में। तो जैसे ही फोटो रूम एप्लीकेशन में शेयर करते हैं, फोटो डायरेक्टली बैकग्राउंड रिमूव होने में स्टार्टिंग हो जाती है। तो गाइज देख सकते हो बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। देन अभी इस ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करके फोटो को सेव कर लेते हैं और चलते हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो गाइज मैं आ चुका हूँ पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में एंड सबसे पहले इस प्लस पर क्लिक करेंगे। देन गाइज बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेंगे। सो गाइज मैं बैकग्राउंड और सारे पीएनजी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मैं इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया हूं एंड अभी ऐसे स्क्रॉल करके एड फोटो पर क्लिक करेंगे। एंड उस मॉडल की पीएनजी को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसको आराम से बिल्कुल अच्छे से सेट करेंगे। तो देख सकते हो मैं कैसे सेट कर रहा हूं। तो यहां थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसमें रख देते हैं। देन स्टिक पर क्लिक कर देते हैं। तो गाइस फोटो थोड़ा लंबा दिख रहा है, तो उसको क्रॉप करने के लिए क्या करेंगे, टूल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये रहा क्रॉप ऑप्शन, इसमें क्लिक करके थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ से क्रॉप कर लेते हैं। एंड अभी फोटो ठीक दिख रहा है। देन गाइस अभी क्या करेंगे, सभी टेक्स्ट एंड पीएनजी को एक एक करके ऐड कर लेते हैं। तो मैं ऐड कर लिया हूँ। तो सबसे पहले क्या करूँगा, इस होली टेक्स्ट पीएनजी को सबसे टॉप में रखूँगा ताकि दिखने में अच्छा लगे। एंड इस गुलाल पीएनजी पर एक बार क्लिक करके नीचे इसे स्क्रॉल करेंगे एंड ब्लेंडिंग पर जाएंगे और मल्टीप्लाई पर सेट कर देंगे। तो देख सकते हो वो व्हाइट वाला पार्ट गायब हो गया है। अभी हम इस गुलाल को अपने गाल में लगा देंगे। देन गाइज इस गुलाल पीएनजी पर एक बार क्लिक करके इस ऊपर लेयर पर क्लिक करेंगे एंड डुप्लीकेट कर लेंगे और फॉरहेड में कुछ इस तरह लगा देंगे ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। एंड फिर एडजस्ट पर क्लिक करके हुई पर क्लिक करेंगे एंड ब्लू कलर में सेट कर देंगे बस। एंड रहा और एक पीएनजी, तो उसको हम क्या करेंगे, फुल जूम करके कुछ इस तरह सेट कर देंगे। तो फोटो अभी देख सकते हो बिफोर आफ्टर एकदम गजब लग रहा है। सो अभी इस फोटो को यहाँ से सेव कर लेते हैं, इसका काम खत्म। देन चलते हैं रेमिनी एप्लीकेशन में, क्योंकि आपको ज़्यादा एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं। रेमिनी का अपडेट वर्जन इतना खतरनाक आया है, एक ही क्लिक में एडिट हो जाता है। तो चलिए मैं रेमिनी एप्लीकेशन में चले जाता हूँ। तो गाइस मैं आ चुका हूँ रेमिनी एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले उस फोटो को यहाँ से ऐड कर लेंगे एंड एनहेंस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करते हैं 10 सेकेंड का एक ऐड आएगा, उसको देख लेना। तो मैं उस ऐड को स्किप कर देता हूँ, ठीक ना। तो आप बिफोर आफ्टर देख सकते हो। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो गाइस आपको फोटो फेड दिख रहा होगा, है ना। तो आपको यहाँ दिख रहा है कलर, उसमें सिंपली क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही फिर से एक ऐड आएगा, तो उसको भी देख लेना। देन ऐड खत्म हो जाने के बाद इसमें दो ऑप्शन दिख रहा होगा, डिसेबल्ड एंड ओरिजिनल वाला जो है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, इस डिसेबल्ड पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हो फोटो थोड़ा सा कलरफुल हो गया है एंड क्वालिटी भी 2x बढ़ गया है। तो गाइस ट्रिक्स कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना। तो वीडियो बस इतना ही, बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।